हेलो नमस्ते दोस्तों। सो अभी आपको पता होगा कि हमारा अरुणाचल और आसाम का बीच में क्या चल रहा है, और कल बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हम लोग यहाँ पे, हम लोग गेट में जितना भी गेट है, हम लोग जैसे कि अरुणाचल से आसाम जाने वाला और आसाम से अरुणाचल आने वाला जितने भी गेट है, सारे गेट में कल बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और किस लिए हुआ दोस्तों, सारी चीज़ बताऊँगा। और ये चीज़ हुआ है हमारा रोहित छेत्री के लिए, उन्हें जस्टिस के लिए सब किया गया दोस्तों। और एक्चुअली हमारा जितने भी गोरखाली है, सारी लोग मिलके इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, सच में प्राउड फील होती है। एंड इस तरह से हमेशा करना चाहिए, किसी को कुछ होता है तो मतलब अपना सोच के ऐसे किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट के लिए अपना आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। और दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था अपना रोहित के लिए, रोहित छेत्री के लिए उनकी वीडियो बनाया था। उस वीडियो में अच्छा खासा आप लोगों को प्यार दिखाई दिया। आप लोग बस इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उससे भी बड़े कुछ बड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि कल का दिन हमारा यहाँ पे आसाम अरुणाचल का बीच में जहाँ गेट है ना, उस गेट में प्रोटेस्ट हुआ गया, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ गया। जो अपना प्रोटेस्ट किया गया उसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब क्या हमारा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, क्या हम लोग जो चीज़ के लिए हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको वो मिला, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ आपको। उस प्रोटेस्ट में मैं भी हाजिर नहीं हो पाया, बट कोई ना अपने भाई भैया जो भी गए थे उनसे थोड़ा फुटेज निकलाया, उनसे थोड़ा वीडियो लेके ये सब दिखा रहा हूँ। पहले इस वीडियो को देख लो आप लोग। उस दो कातिल को फांसी नहीं दिया गया है, एंड उसी फांसी के लिए सारे लोग हंगामे कर रहे हैं, फांसी दो फांसी दो, अगर फांसी नहीं देगा तो हमको दो, हम हैंडल करेंगे, यहाँ जो करना है हम करेंगे। दूसरी बात, और यहाँ पे जो गोरखाली टीम से जो भी प्रोटेस्ट रखा गया है, सरकार से थोड़ा डिमांड कर रहे हैं पैसा, यानी 50 लाख का आसपास डिमांड कर रहे हैं कि उतना चाहिए, 50 लाख दो, तब हम इस प्रोटेस्ट को हम यहीं रुक देंगे। और दूसरी बात, उस कातिल को फांसी दो, तो ये चीज़ के लिए डिमांड किया गया है। और अभी यहाँ पे देख सकती होगी, आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कातिल के लिए, मतलब हमारा जो गोरखाली लोग बोल रहे हैं, भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हमको दो, और दोस्तों मैंने सोचा नहीं कि ये प्रोटेस्ट इतना खतरनाक, इतना भयंकर हो सकता है। भाई सही में आप अभी देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अगर अपना पुलिस है ना, वो भी रुका नहीं सक रहा है, देख सकते हो आप लोग। Go back!
चाकुन जरलपुर खरसाङ जति पनि छ गेटहरूलाई हामीले आज वकिल असम गोर्खा छात्र सङ्घ जम्मै गोर्खा जनमानसको सहयोगमा आज हामीले यो काम यो कार्यसूची हामीले लिएको छौँ। तर आज हामी हाम्रो आज भाइको घटना भएको दिनदेखिबाट आज अरुणाचल सरकार प्रशासनले हाम्रो कुराहरू नमानिदिएका लागि हामी आज हामीले गणतान्त्रिक भावले हामी यो प्रतिवादी कार्यसूची हामी असम सरकार तथा अरुणाचल सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो नानी हाम्रो बालका नानीलाई जुन प्रकारले हत्याकारीले हत्या गरे त्यो हत्याकारीहरूलाई फाँसीको सजा दिनुपर्छ। भुक्तभोगी परिवारलाई आजसम्म केही पनि एउटा आर्थिक सहाय्य प्रदान गरेका छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आज यो सबै भेला भएका हौँ। तर आज हामीले यो कुरा भन्नु खोज्दैछौँ उहाँहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ हाम्रो डिमान्डहरू उहाँहरूले मानिदिनुपर्छ, उहाँहरूले डिमान्डहरू स्वीकार गरिदिनुपर्छ। जहाँ जे भए तापनि हामी जान्दिनौँ, हाम्रो डिमान्ड हो त्यो दोषीलाई सजा दिनुपर्छ। र दोस्रो कुरो हाम्रो पूर्वज्ञ परिवारलाई भुक्तभोगी परिवारलाई एउटा आर्थिक सहाय प्रदान गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। और दोस्तों वहाँ पे कमिश्नर आ गया उसी दौरान को, और वहाँ पे जो भी हमारा डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड उन्होंने बोला कि चलो आपका जो भी डिमांड है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, और आके लेके जाते हैं। और उन्होंने साइन वाइन किया वो करते सबैको उद्देश्यमा हामीले यो उहाँहरूलाई स्मरक पत्र प्रेरण गरौँ। हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर रॉबर्ट डिबांग वैली। आई एस एस यू पार्ट बुक इज एक्सेप्टिंग दिस मेमोरेंडम। हम लोग जितना हो सके उतना रोहित के लिए, रोहित छेत्री के लिए, उनकी जस्टिस के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। और आप लोग जरूर मुझे बताना क्या हम लोग जो प्रोटेस्ट रखे थे वो प्रोटेस्ट रखना चाहिए या नहीं, और रोहित छेत्री के लिए जो जस्टिस हम लोग मांग रहे क्या उनको मिलना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखो आज उनका साथ हुआ है, कभी आपका साथ हो सकता है, कभी किसी और का साथ, मतलब किसी का साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे तुम वो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे एक परिवार, हम सब एक परिवार है। क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया में हम एक परिवार होकर बैठे। आज उनका साथ ये घटना बीता है, कल आपके साथ हो सकता है, तो भाई खामोश नहीं रहना चाहिए। एंड इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाना चाहिए और जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने ये बहुत ही गंदा वाला काम किया है, जिसका एक बेटा 12 साल का बेटा, उनको दया भी नहीं आया। दोस्तों देखो उनका एक बेटा को समझ रहे हो ना भाई, 9 महीना पेट में रख के फिर उसको पैदा करना, बड़ा करना, अपना काम छोड़ के, अपना सुख छोड़ के अपने बेटे के लिए खुशी दे देना और उनको पढ़ाना लिखाना। अभी देखो 12 साल का इतना छोटा बच्चा है, उसको ऐसा किया, जिसने किया उसको थोड़ी भी दे रहे हैं भाई। उसके लिए तो पक्का यार फांसी तो चाहिए। एंड हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फांसी चाहिए। और जो रोहित छेत्री का माता पिता है उनको कुछ गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। और दोस्तों आज तो हम घर में, ठीक है, अभी हम जाने वाले बाहर यानी असम जाने वाले, और वहाँ पे जो भी होता है दोस्तों वहाँ पे आपको सारा का सारा मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका न्यूज़ आपको मिल जाएगा। बस इसी अगेंस्ट में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और आप लोग भी जरूर अपना राय बताना। तो भाई मिलते फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए भाई बस अपने चैनल पे जुड़े रहो। बस वीडियो थोड़ी पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ मेरे भाई लोग दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।